नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ के एग्जाम के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एक वीडियो पे लेकर क्या किया था, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का ये कलेक्टिवली एक क्वेश्चन, उस सीरीज़ पे हमने पहला वीडियो डाल दिया था जिसमें से हम लोगों ने 20 के आसपास क्वेश्चन कवर किए थे। ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो आएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में शुरू करते हैं। तो ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का है, 2013 का पेपर का एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, ले कहाँ अवस्थित है? ले अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं ओर पे है। ये लगभग ये 4 मील की दूरी पे है। और ले का बारे में और कुछ जब बता देता हूँ आपको, ये ले देश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक, ले कहाँ पर है? ले लद्दाख, लद्दाख के दो ज़िलों में से एक आता है। लद्दाख में दो ज़िले हैं, एक है लेह और दूसरा ज़िला है कारगिल। लद्दाख एक यूनियन टेरिटोरी है, याद रखिएगा, लद्दाख यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख किस कौन से हिमालय का हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में मुख्यतः किसका, वैसे काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ये सब ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय में भी अगर क्वेश्चन आता है ट्रांस हिमालय में कहाँ पर, तो ये काराकोरम का हिस्सा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लद्दाख में ही एक बहुत ही फेमस नदी है, यहाँ पर थ्री इडियट का एंडिंग सीन आया था, आपको याद होगा, पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक। इस लेक, ये लेक लद्दाख में ही अवस्थित है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो हिमनद मतलब जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सब कौन सा है? तो ये है काराकोरम ग्लेशियर, काराकोरम रेंज पे स्थित है ग्लेशियर। और यह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन विश्व का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान माना जाता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई में अवस्थित युद्ध का मैदान, जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अभी यहाँ पर एक लेटेस्ट का करंट अफेयर भी आया था, कैप्टन शिवा चौहान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिवा चौहान कौन है, इसका नाम हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? ये कन्फ्यूजन करने वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि शिवा चौहान एक महिला ऑफिसर हैं और पहली बार कोई महिला ऑफिसर को सियाचिन ग्लेशियर के लिए डिप्लॉय किया गया है, उनका नाम है यही शिवा चौहान। ठीक, तो सियाचिन ग्लेशियर भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ? भारत को इस तरह से आप समझोगे, यहाँ पर है पाकिस्तान, इस तरफ है चाइना, ये बीच का जो हिस्सा आता है ये हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर का, जिसको भारत ने अभी संभाल रखा है और दोनों तरफ से निगरानी कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान या चाइना की तरफ से कोई अटैक ना हो। अगर कुछ होता भी है तो हमारे सेना के जो भी अच्छे लोग हैं वो सब लोग इसको आराम से संभाल ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य रेल सेवा से वंचित है? वैसे तो ये पुराना 2013 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय इसका आंसर रहता था ऑप्शन बी मेघालय, पर मेघालय में रिसेंटली मेहंदी पत्थर नाम का रेलवे स्टेशन अभी बनाया गया है वहाँ पर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, शिलोंग अगर जो है मेघालय के लिए मेघालय की राजधानी पूछता है तो ये क्या है? शिलोंग। शिलोंग में एक एयरपोर्ट बना है, लेकिन अभी भी शिलोंग में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पे है, जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, शिलोंग को वहाँ पर जोड़ता है शिलोंग जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी पाई जाती है, ये किस तरीके का उदाहरण है? तो देखिए, ये आपको बता देता हूँ, ये रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। रिफ्ट वैली मतलब ये दोनों साइड पहाड़, ठीक, और बीच में नदियाँ बहने का एक जगह, तो दोनों पहाड़ों के बीच में एक गहरी खाई होती है, नदी हो चाहे ना हो, पर एक गहरी खाई, उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी एक इसका उदाहरण है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। उसी तरीके से अमेरिका में मृत घाटी भी रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा गर्मी इसी मृत घाटी पर ही पड़ती है, और ये खतरनाक, इतनी खतरनाक घाटी है कि इसका नाम मृत घाटी रखा गया है, और रिफ्ट वैली का जो उदाहरण है। मृत घाटी के अलावा इसके एक और चीज़ मैं बता दूँ, अमेरिका में ही दुनिया की सबसे ऊंची घाटी है, जिसका नाम है ग्रेट वैली। ठीक, कैलिफोर्निया ये शुरू से अमेरिका का हिस्सा नहीं था, ये पहले मैक्सिको का भाग था, इसको बाद में अमेरिका ने मैक्सिको से ख़रीद लिया है। जिस प्रकार से रशिया से अलास्का को ख़रीदा था अमेरिका ने, उसी प्रकार से मैक्सिको से भी कैलिफोर्निया को ख़रीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अगर हम भारत में बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो भारत में है मध्य प्रदेश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र? पन्ना बुंदेलखंड के ज़मीन पे आता है। बुंदेलखंड अपनी यूपी से भी लगा, यूपी में भी आप अवस्थित है, पर मुख्यतः मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पन्ना जिले पे ये हीरे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में।
और अगर इंटरनेशनल लेवल पे इस पर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हीरे जब ये क्वेश्चन आया था उस समय ऑस्ट्रेलिया में नंबर वन था, पर 2023 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2023 में रशिया में सबसे ज़्यादा हीरे मिलते हैं और उत्पादन हो रहे हैं। भारत में डायमंड कटिंग का सबसे बड़ा कारखाने या फिर फेमस कारखाना कौन सा क्षेत्र में आता है? सूरत। और मध्य प्रदेश में ये जो माइंस है इसका नाम क्या है? मचकवा माइंस। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया था? द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था सन 1986 में। डाक सेवा से रिलेटेड मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले 1727 में पहली डाक सेवा को शुरुआत की गई थी, एक बेसिक लेवल पे शुरुआत हुई थी भारत में, जबकि सन 1774 में कलकत्ता जीपीओ सबसे पहली बार आया था। ये लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। और भारत में अगर इन पोस्ट ऑफिस का जनक किसे कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा डलहौजी को। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर के 56 तक डलहौजी का कार्यकाल था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न भारत में निम्न फसलों में से किस एक फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसमें आंसर आता है ऑप्शन डी गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा भारत में होता है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटका। एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री ये गन्ने के लिए कौन सी लगाई गई है? ये है खतौली। ये खतौली फैक्ट्री कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कौन से ज़िले के अंतर्गत आएगा आप ये कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में नदियों में से कौन सा अपने मार्ग में परिवर्तित करके कुख्यात हो जाती है, मतलब कौन सी नदी एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है अपना रास्ता बदल बदल के? यह है कोसी। चाइना से होते हुए नेपाल को जाती है और जाके भारत में उत्तर बिहार की तरफ ये आ जाती है। उत्तर बिहार मतलब बिहार को दो हिस्से में तोड़ा गया, दो हिस्से में हम लोग कहते हैं, एक उत्तर बिहार और एक है दक्षिण बिहार। उत्तर और दक्षिण क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच से ही गंगा नदी होती है, तो गंगा के उत्तर वाला हिस्सा उत्तर बिहार कहा जाता है। और कोसी नदी नेपाल से उत्तर बिहार की ओर आती है और उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा ये डैमेज करती है। देखा जाए तो बिहार बीमारू राज्य या फिर पिछड़ा राज्य इसी कारण से, क्योंकि बिहार का आधा क्षेत्र किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे पाता, जबकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस कोसी नदी के कारण ही उत्तर बिहार में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कोसी नदी के अलावा हम लोग बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी लखनऊ जौनपुर और सुल्तानपुर इन तीनों ज़िले से होकर के गुजरती है। और अगर कोई ऑप्शन आता है कि निम्न में से कौन सी जिला है जिसमें से जहाँ से गोमती नदी नहीं निकलती, तो उसमें आप ऑप्शन मार सकते हैं। तो ये तीन जिलों का नाम याद रखिएगा, बाद में ये गोमती नदी जाके गंगा में मिल जाती है। यहाँ दामोदर नदी का भी आपको देख सकते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का कुख्यात कहा जाता है। सौरव बंगाल दामोदर नदी को कहते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे कहाँ पर जुड़ता है? कोंकण रेलवे अब अपना इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले आप इसको बता देता हूँ। कोंकण रेलवे लाइन 660 किलोमीटर की है। ये किस जोन का हिस्सा है? ये किस जोन का हिस्सा है? तो आंसर होगा किसी भी नहीं। कोंकण रेलवे एक सेपरेट एंटिटी है, ये किसी भी जोन के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया। इसमें लगभग 146 नदियाँ, 2000 ब्रिज और 91 टनल शामिल हैं। कोंकण रेलवे में सबसे बड़ा टनल 6.5 किलोमीटर का है, मतलब 6.5 किलोमीटर का है। क्या नाम है इस टनल का? कर पड़े ये टनल सबसे लंबी है कोंकण रेलवे पे। और इसका आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा रोहा से मंगलोर। कोंकण रेलवे को जोड़ता है, कोंकण रेलवे रोहा और मंगलोर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में सन 2004 में आई सुनामी द्वारा कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित क्षेत्र रहा है? तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित क्षेत्र रहा है नागापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है, मतलब केरला में सबसे ज़्यादा मिलने वाला खनिज कौन सा है? तो ये है मोनोजाइट। केरला भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि पेरियार नदी, वेबनाड लेक। पेरियार को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबनाड किस लिए फेमस है? ये बैक वाटर के लिए फेमस है, मतलब समुद्र में पानी जाता है, लेकिन केरला में ये वेबनाड नाम की ऐसी जगह है जहाँ पर समुद्र से पानी अंदर को आता है, तो बैक वाटर के लिए सबसे बड़ी लेक है वेबनाड लेक। केरला की लिटरेसी रेट लगभग 96% है, 96.2% है। और केरला में ही एक ऐसा जिला है कोट्टायम जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको शिक्षा ना मिली हो, सब कुछ 100% शिक्षित लोग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटे छोटे प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है और ये सब इकट्ठा होकर के एक द्वीप का नाम रूप ले लिया है आज के डेट में, ये लक्षद्वीप कहलाता है। अब इसकी बात हो रही है तो कुछ और भी एक जीके हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ ही तीन द्वीप थे जिसके नाम कुछ समय पहले बदले गए थे। एक है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, रॉस का कर दिया गया है बोस द्वीप। सेकंड नंबर पे आता है नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप।
इसके बाद हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप इसको नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, ये तीनों इसके नाम हो गए। साथ ही साथ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 8 डिग्री पृथ्वी की बहुत सारी इमेजिनरी लाइन है वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं बता देता हूँ 8 डिग्री मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री किसको अलग करेगा, ये मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप का जो मेन भूभाग है उससे अलग होता है। लक्षद्वीप बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं, एक मिनिकॉय है जो थोड़ा दूर पर रहता है लक्षद्वीप से, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला 9 डिग्री लाइन है। एक 10 डिग्री लाइन भी आती है, 10 डिग्री लाइन अंडमान को और निकोबार को अलग करती है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड को दोनों को मिलाकर के टोटल लगभग 572 द्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं, जिसमें लगभग 12-15 द्वीप में ही लोग रहा करते हैं, बहुत ज़्यादा में नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तट पे भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है, तो ये औसत समुद्री तल नापने के लिए ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, चेन्नई से ही औसत समुद्री तल नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दक्षिण भारत के सिर्फ छोड़िए, आप सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है आप देखिए मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि UPRO का पेपर है और आपको ये इसका आंसर आना चाहिए। UPRO इसके बाद जो है अपने पास में ही पचमढ़ी, पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का, इसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और पचमढ़ी पे ही ये धूपगढ़ की चोटी अवस्थित है, धूपगढ़ की चोटी है जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। ठीक, इसके बाद आता है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी उड़ीसा, उड़ीसा में है, इसकी हाइट है 1501 मीटर। इसके बाद लास्ट में आता है अनाईमुड़ी और दोड़ाबेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी की जो लेंथ है ये 2695 है, 2695 2695, जबकि दोड़ाबेटा की 2637। और ये अनाईमुड़ी और दोड़ाबेटा दोनों वेस्टर्न घाट के ही हिस्से हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखिए दक्षिण भारत में दो मुख्य तौर दो घाट हैं, एक वेस्टर्न घाट आता है और एक ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट, ये दक्षिण वाला ये पूर्वी पूर्व की तरफ है तो इसलिए ईस्टर्न और पश्चिम की तरफ है वेस्टर्न, और इन दोनों घाट को जो भी जो एक क्षेत्र जो जोड़ता है ये है नीलगिरी, नीलगिरी के पर्वत, नीलगिरी के पर्वत इन दोनों घाट को जोड़ा करते हैं। नीलगिरी में ही फेमस ऊटी शहर है, ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी में ही है, और नीलगिरी को अगर पूछा जाए नीलगिरी किसका कहाँ पर अवस्थित है, नीलगिरी खुद वेस्टर्न घाट में है लेकिन ईस्टर्न घाट को भी ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए पुराना क्वेश्चन है और मिनरल से रिलेटेड है, तो इसके सारे आंसर बदल चुके हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि सोना, सोना पेरू नहीं अब USA नंबर वन है, चांदी के लिए मैक्सिको अभी भी सही है, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका भी याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा चांदी जो है निकाला, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका तो हीरे के लिए फेमस हो रहा है, चिली देश, चिली देश चांदी बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है इस समय, जल्दी ये भी टॉप पे आएगा। नेक्स्ट आता है लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए रशिया और टीन के लिए चाइना, यही इसका नंबर ये आंसर, टीन चाइना नंबर वन है, लौह अयस्क में रशिया नंबर वन है, चांदी में मैक्सिको नंबर वन है और सोना में अमेरिका नंबर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। जैसा कि मैंने आंसर बताया इसका आंसर ए है चाइना, सॉरी लौह अयस्क का उत्पादक है ये, इसका आंसर चाइना पहले था 2013 के हिसाब से, लेटेस्ट में इसका आंसर है रशिया, रशिया सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है, तो ये नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है, फिर यहाँ सतपुड़ा आएगी, फिर ताप्ती नदी आएगा, फिर यहाँ पर छोटे छोटे बालाघाट के पर्वत, अजंता और भी इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे पर्वत आ जाते हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, बस ये दो नदियाँ, सॉरी सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं या किसी दूसरी नदी पे मिलती हैं, सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये मैं आपको जीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये UPSC में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और UPSC को फॉलो करता है UPPSC, और UPRO का एग्जाम ही ले रहा है UPPSC, तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली याद रखिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ ले। सूरत, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, याद रखना ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के साथ शेयर कीजिए, हम जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो ले आएंगे जिसमें ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी 2013 के पेपर्स। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।